राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज का जो टॉपिक है बी स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशनिस्ट, मतलब जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। कहीं भी हो, चाहे आप छोटी नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, यदि आप गुड कन्वर्सेशनिस्ट हो तो आप अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाओगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस आदमी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है उसकी समाज में इज्जत तो होती होती है, और उस आदमी के सामने वाला आदमी उसके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब भी कोई बंदा सामने वाला बात करेगा तो उसकी बात को अपने दिमाग में तोल के उसका ऐसा तोड़ निकालेगा, वो ऐसा तोड़ निकाल के उसका जवाब देगा तो वो सारी की सारी बातें उसकी खारिज हो जाएंगी। जितनी मर्जी कोई कौम, जितनी मर्जी लड़ाकी हो, जो भी हो, उसके बाद टेबल पर बैठना ही होता है। कोई भी आपका डिस्प्यूट हो गया, कोई भी कहीं भी आपका कोर्ट केस चल गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो फिर आपको कहीं ना कहीं टेबल पर बैठ के डायलॉग करना ही पड़ेगा। तो जब डायलॉग होता है, यदि आपका डायलॉग बहुत स्ट्रांग होगा तो आप अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाओगे। जो कौमें लड़ती हैं, लड़ाकू हैं, और यदि उनके लीडर बात करने में माहिर ना हो तो सिर्फ लड़ाई काम नहीं कर सकती। तो लड़ाई के साथ साथ लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही परफेक्ट करना पड़ेगा। जो आदमी कम्युनिकेशन स्किल में, डायलॉग डिलीवरी में आगे है, वो आदमी हमेशा कामयाब होता है। जिस फिल्म के डायलॉग अच्छे हैं वो फिल्म बहुत लंबे समय तक चल जाती है। शोले फिल्म 1975 में आई थी, लेकिन उसके आज भी कालिया वाला डायलॉग, बसंती वाला डायलॉग आज भी लोगों के उसमें याद में है। सो हमने जब भी अपनी कोई बात रखनी है तो ऐसी रखनी है कि सामने वाला आदमी उसको काफ़ी देर तक भुला ना पाए। स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन आपकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके राइट्स लगे हुए हैं। सो आपने जितना मर्जी आप स्ट्रांग हो, यदि आप स्ट्रांग कन्वर्सेशनिस्ट नहीं हो तो आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में मार पड़ सकती है। सो आपने अपने आप को बेहतर संवाददाता बनाना ही बनाना है। इसके लिए आपको कुछ भी सीखना पड़े, वीडियो सुननी पड़े, किताबें पढ़नी पड़े, लोगों के साथ जाके बात करनी पड़े, अपनी जो शर्म है वो निकालनी पड़े, वो निकालनी है। कई बंदे शर्माते रहते हैं कि सामने वाला बंदा बैठा मैं क्या बोलूं। भाई बोलना है, यदि आप नहीं बोलोगे तो सामने वाला सारी बातें बोल के आपसे हाँ करवा के चला जाएगा, तो जीत तो वो हो गया ना। फिर जीतना हमने है, हम दूसरे के सामने हारना नहीं है। हारे हुए आदमी से, हारे हुए राजे से किस तरीके का सलूक किया जाता है, हमने सबने हिस्ट्री में पढ़ा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर देना। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो अपने कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली। थैंक यू।